हेलो व्यूअर्स, नैमिषारण्य धाम की पावन यात्रा में इस दूसरे भाग में हम आज चलेंगे पवित्र स्थल हनुमानगढ़ी और पांडव किला के दर्शन करने। कहते हैं कि राम रावण के युद्ध के समय जब अहि रावण ने राम और लक्ष्मण का हरण किया था और उन्हें पाताल लोक ले गया था, तो हनुमान जी ने उन्हें पाताल लोक से मुक्त कराकर इसी स्थान से दक्षिण दिशा यानी लंका की ओर प्रस्थान किया था। यहाँ हनुमान जी की दक्षिण मुखी प्रतिमा साक्षात विराजमान है। इसी के पास में ही पांडव किला नाम से एक कक्ष स्थापित है। आज से 5500 वर्ष पूर्व द्वापर युग में अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने यहाँ कुछ समय व्यतीत किया था। भक्तजनों, किला शब्द से किसी भी प्रकार से भ्रमित न हो, यहाँ केवल एक कक्ष है जिसमें पांचों पांडवों, भगवान श्री कृष्ण और माता कुंती की प्रतीकात्मक मूर्तियां स्थापित हैं। परिसर के पास में ही एक सुंदर सरोवर है जिसके मध्य में कमल की आकृति है और बिल्कुल बीच में भगवान शंकर और पार्वती जी की मूर्ति स्थापित है। यह तालाब इस स्थान के सौंदर्य को बढ़ा देता है। इसी के साथ नैमिषारण्य धाम में स्थापित हनुमानगढ़ी और पांडव किला के दर्शन संपूर्ण होते हैं। इस वीडियो को देखने वाले सभी भक्तों को इस धाम की वास्तविक यात्रा का ही फल मिले, ऐसी हमारी कामना है। धाम के अन्य तीर्थों की यात्रा के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।